हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ डबल कलर की एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी भी है। ये डिज़ाइन फोर फंदों की है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो फोर के मल्टीपल्स में डालेंगे, थ्री फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर मैंने 15 फंदे डाले हैं, टू रो का बॉर्डर बिना है, जो कि दोनों ओर से सीधे सीधे फंदों से बनाया गया है। इस खूबसूरत डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जैकेट, कोटी, फ्रॉक, बेबी स्वेटर किसी में भी आसानी से डाल सकते हैं। बनाने में इतनी इजी है कि बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, डिजाइन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम दूसरे कलर का ऊन लगा लेंगे और इसके बाद दूसरे कलर से के ऊन से हम एक फंदा एज वाला बुनेंगे और जो फोर फंदे की बनाई है उसमें एक फंदा हम इसी कलर से बुनेंगे। इसके बाद तीन फंदे स्लिप करेंगे, यानी कि हमारे इन चार फंदों पे डिजाइन पड़नी है। फिर हम ऐसे करेंगे, एक फंदा बुनेंगे सीधा और तीन फंदे स्लिप करेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, एक फंदा बुनना है सीधा और तीन फंदे स्लिप करने हैं। ये फिर मैंने फंदा बुन लिया सीधा और लास्ट वाला फंदा भी, जो एज का फंदा है, उसे भी हम सीधा बुन लेंगे। अब हम डिजाइन की सेकंड रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा आप चाहें तो स्लिप कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने उल्टा बुन लिया है, ये एज वाला फंदा है। इसके बाद जो डिजाइन का फंदा है उसे भी हम उल्टा बुन लेंगे, उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे और तीनों जो स्लिप किए हुए फंदे हैं, तीनों फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। फिर उनको अपनी तरफ लाएंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और उन पीछे करके स्लिप किए हुए फंदों को स्लिप कर लेंगे। पूरी रो हमें सेकंड रो इसी तरह से बनानी है। ऊन को अपनी तरफ ला करके एक फंदा उल्टा बिन लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, तीन फंदे स्लिप कर लेंगे। फिर उनको अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बिन लेंगे, लास्ट वाला फंदा भी उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से हमारी पूरी रो सेकेंड रो कम्प्लीट हो जाएगी। एंड की थर्ड रो मेन कलर से बनेगी, पूरी रो सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। डिजाइन की थर्ड रो जो कि राइट साइड से है, सीधे सीधे फंदों से बनाएंगे। डिजाइन की फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है, उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। पूरी रो को हम उल्टे उल्टे फंदों से बनाएंगे। बहुत ही आसान और खूबसूरत डिजाइन है। फर्स्ट रो और सेकंड रो में डिजाइन पड़ेगी, थर्ड रो और फोर्थ रो सीधे और उल्टी फंदों से बनाई जाएगी। इस तरह से पूरी रो हम उल्टे उल्टे फंदों से बना लेंगे। हम डिजाइन की फिफ्थ रो पर हैं। पहला फंदा हम बिन लेंगे सीधा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो तीन फंदे हैं, ये जो तीन फंदे हैं बीचों बीच, ये बीच में इन तीनों फंदे में जो बीचों बीच का फंदा है इसको हमें बिनना है, और इसके सिवा जो फंदे हैं उन्हें हमें स्लिप करना है। हर बार हमें तीन तीन फंदे स्लिप करने हैं। यहाँ पर कॉर्नर का है इसलिए हम दो फंदे ही स्लिप करेंगे, ये दो फंदे स्लिप कर लेंगे और इस तीसरे फंदे को हमें बिनना है। तो इसको किस तरह से बिनेंगे, इस वाला ये जो हमने लूप बनाया है, जो फंदा छोड़ा था ऊन आगे आया है, उससे हम एक फंदा बुन लेंगे, तो ये इस तरह से बंध जाएगा। फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे, आप देखिए इन तीन फंदों के बीचों बीच वाला फंदा, इसी फंदे को हमें बांधना है। ये इस तरह से हम लेंगे ऊन और इसको इस तरह से बांध लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, तीन फंदे स्लिप करना है और एक फंदा जो है उसको इस तरह से बांधना है, मेन कलर से, जो हमारा सेकंड कलर है उस कलर से बांधना है। इस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पर दो फंदे स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा हम सेकंड कलर से बना लेंगे। ये हमारी डिजाइन की फिफ्थ रो है। की फिफ्थ रो फर्स्ट रो की तरह थी, अब डिजाइन की सिक्स रो जो है सेकंड रो की तरह है। पहला फंदा हम
उल्टा बिन लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, दोनों स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी तरफ लाएंगे, जो फंदा बिना हुआ है उसको उल्टा बिन लेंगे, उनको फिर पीछे ले जाएंगे और तीनों फंदे स्लिप कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है सेकेंड रो की तरह। उनको आगे करके एक फंदा बिन लेना है, उनको पीछे करके तीनों फंदे स्लिप कर लेने हैं। फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा बिन लेंगे उल्टा, फिर उनको पीछे करेंगे, दो फंदे लास्ट कॉर्नर के हैं, इन्हें दो फंदों को स्लिप कर लेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। रो बहुत ही सरल है, सीधे सीधे फंदों से बनाई जाएगी। डिजाइन की सेवंथ रो जो कि राइट साइड से है, सीधे सीधे फंदों से बनानी है। डिजाइन की एट्थ रो जो कि बैक साइड से है, उल्टे उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। पूरी रो उल्टे फंदों से बनानी है। अब हम फिर फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। पहला फंदा हम दूसरे कलर से बना लेंगे, दूसरा फंदा भी हमें दूसरे कलर से बनाना है, लेकिन इस फंदे को हमें यहाँ बांधना है। अगर तीन फंदे होते तो हम इसी फंदे में बांधते, तो यहाँ तीन फंदे नहीं है, फिर भी हम इसको इसी फंदे से बांध देंगे। ये इस तरह से हम इस फंदे को बांध देंगे, एक बार तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर ये देखिए बीचों बीच का फंदा है, इस फंदे से इस फंदे को बांध देंगे, सीधा फंदा बना लेंगे, बंध जाएगा ये इस तरह से। फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे, फिर इसी तरह से बांधेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से फर्स्ट रो की तरह ही बनानी है। इसी तरह से आप बनाते जाएंगे, आपकी डिजाइन बनती चली जाएगी। ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा, ये इस तरह से बांध करके लास्ट वाला फंदा भी इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये हमारी इस तरह से डिजाइन बनती चली जाएगी। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इस डिजाइन को जिस किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आप डालेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।